फ्रेंड्स मैंने बनाया है पंजाबी स्टाइल पिंडी छोले, और ये पिंडी छोले बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाया है, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए बनाते हैं पंजाबी स्टाइल पिंडी छोले। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला, मेरे विदान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल पिंडी छोले। पिंडी छोले जो है बहुत ही पॉपुलर है पंजाब में, और ये जो है ये काले चने से बनाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास रेगुलर चना है जो कि मेरे फार्म से आया हुआ है। तो हम इसी चने से हम पिंडी छोले बनाएंगे, और इसके बहुत ही स्वादिष्ट छोले बनते हैं। तो इस तरीके से चना आप कोई भी चना ले सकते हैं, तो आप चाहे तो काबुली चने भी ले सकते हैं जो कि थोड़े बड़े साइज में व्हाइट होते हैं। तो मैं इसी चने से बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं पिंडी छोले। पिंडी छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम थोड़ा पानी को बॉईल करेंगे, और इस पानी में हम पिंडी छोलों को काला करने के लिए हम एक कलर बनाएंगे, और वो कलर बनेगा हमारी चाय पत्ती से। तो पानी गर्म हो रहा है तो हम इसमें दो बड़े चम्मच, यानी मीडियम साइज के जो चम्मच से मैं चाय पत्ती यूज करती हूँ उससे मैं दो चम्मच चाय पत्ती को डाल दूंगी, और साथ में मैं इसमें यूज कर रही हूँ कॉफी। तो ये कॉफी पाउडर मैं इसमें एक छोटे चम्मच डाल देती हूँ, इससे कलर और फ्लेवर दोनों ही आएगा। तो इन दोनों को हम अच्छे तरीके से बॉईल होने देते हैं। जब ये उबल कर आधा रह जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चाय पत्ती और कॉफी अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है। तो चलिए अब हम अपने चनों को कुकर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे चनों को आपको अच्छे से वॉश करके 7 से 8 घंटे अच्छे से भिगो लेना है, और उसके बाद इसे दोबारा से आपको अच्छे पानी से इसे धो लेना है। कम से कम 2 से 3 बार इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो अब मैं इन चनों को कुकर में ऐड करती हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। पानी हम इतना ही ऐड करेंगे जिसमें कि चने हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं, और थोड़ा सा पानी बचा भी रहे, बहुत ज्यादा ड्राई आपको नहीं रखना है। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा नमक, और कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने खड़े मसालों में लिया है काली इलायची, इसे काली बड़ी इलायची भी कहते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन स्टिक, और बे लीफ यानी तेज पत्ता। अब इसमें हम ऐड करेंगे चुटकी भर मीठा सोडा, ये चुटकी से 2 चुटकी मीठा सोडा है, इसे हम ऐड कर देंगे। ये हमारे चनों को अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने में हेल्प करेगा और समय भी कम लेगा। अब ये जो हमारा पानी तैयार हो गया है ना कॉफी और चाय पत्ती का, तो ये रेडी है। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम लेंगे और इस तरीके से हम इसे ड्रेन कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई आंवला हो या फिर ड्राई अनारदाने के पाउडर हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी चनों को कलर देने में हेल्प करते हैं। तो बस हमने सारी चीजें इसमें डाल दी हैं, और अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो अभी हमें इसे बॉईल करना है, अच्छे तरीके से इसे पकाना है जब तक कि चने अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और थोड़े गल नहीं जाते। इसे हम बंद करके कम से कम 7-8 सीटियां मीडियम फ्लेम पे रख के 7 से 8 सीटियां हम इसमें करवाएंगे, और डिपेंड करता है आपके कुकर पे कि उसका प्रेशर कैसा है। तो चलिए हम चनों को अच्छे से पका लेते हैं। फ्रेंड्स, पिंडी छोले के चने हो गए हैं और कुकर का प्रेशर भी हम इसे ओपन करते हैं, और ये देखिए कलर कितना अच्छा कलर आए हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये लगभग काले हो गए हैं, और जो भी थोड़ा बची कुची जो कसर है वो पकने पर हो जाएगी। तो चने हमारे कैसे पकने चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि ये अच्छे तरीके से गल गए हैं, ये देखिए इस तरीके से गले होने चाहिए, ऐसे मैश करें ना हल्के हाथों से, ये देखिए
इस तरीके से ये मैसी मैसी हो जाने चाहिए। तो चने हमारे रेडी हैं, तो चने को हम साइड में कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने पिंडी छोले के मसाले तैयार करने। यहाँ पर पंजाबी छोले पिंडी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। आप देख रहे होंगे कि मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज किया है, तो इसी से ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल पिंडी छोले बनने वाले हैं हमारे। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करने वाले हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल से पिंडी छोलों का फ्लेवर अलग ही आता है और काफी टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो इसलिए अगर आप ऑथेंटिक फ्लेवर चाहते हैं तो सरसों का तेल जरूर से यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप घी का यूज कर सकते हैं, बटर और प्लस नॉन फ्लेवर ऑयल का यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देंगे जब तक कि इससे अच्छे तरीके से हीट नहीं निकलने लगती। सरसों का तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे दो लौंग और एक हरी इलायची, और साथ में मैं एक चम्मच जीरा ऐड कर देती हूँ। बाकी के जो खड़े मसाले हैं तेज पत्ता, बड़ी काली इलायची और दालचीनी, वो मैंने चने में डाल के उसे बॉईल कर लिया था तो मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। और जैसे ही जीरा और सारी चीजें अच्छे तरीके से क्रैक होंगी तो वैसे ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसे मैंने थोड़े से पानी के साथ में ग्राइंड कर लिया है, आप चाहे तो कुकर भी यूज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है हमें और फ्लेम को लो रखना है क्योंकि यहाँ पे मसाले जलने नहीं चाहिए। इन मसालों की अच्छे तरीके से हमें भुनाई करनी है, धीमी धीमी आंच में ही भुनाई होनी है इनकी। तो तेज आंच करके इसे जलाएंगे नहीं वरना पिंडी छोलों का टेस्ट जो है वो बदल जाएगा। अब देर नहीं करते, हम इसी में ऐड करने वाले हैं एक मीडियम साइज का प्याज का पेस्ट। और लो फ्लेम करके हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो यहाँ पे धीमी धीमी आंच में हमें प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनना है और इसकी भुनाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, तभी जो है पिंडी छोलों में स्वाद आएगा। तो हम इसे ढककर के रोस्ट करना है और जब तक हम इसे ढककर रोस्ट करेंगे तब तक मैं आपको कुछ खड़े मसालों को बताऊंगी कि और हम क्या मसाले यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ काली मिर्च के दाने लिए हैं और ये है जावित्री, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आता है और काफी मजेदार मसाले जो तैयार होते हैं हमारे, तो अगर आपके पास है तो यूज कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और काली मिर्च और जावित्री को हम अच्छे तरीके से कूट लेते हैं, इसका एक दरदरा पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे तरीके से रोस्ट हो रहा है तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करने वाले हैं हल्दी, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तीखी लाल मिर्च, जैसा भी आपको स्पाइसी पसंद हो पिंडी छोले उस तरीके से आप इसमें ऐड कीजिए। और यहाँ पे ऐड करेंगे हम एक टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, दोनों मिक्स है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इन्हें धीमी आंच में हमें भूनना है। और साथ ही मैं इसमें स्वाद अनुसार एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने छोलों में भी नमक डाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड करें। तो नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे धीमी धीमी आंच में अच्छे तरीके से मसालों की भी भुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून रहे हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये कुटा हुआ काली मिर्च और जावित्री का पाउडर, जो दो चीजें हमने कूटी हुई हैं उसे हम ऐड कर देंगे। इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है और जावित्री से बहुत अच्छी सी महक आएगी छोलों से हमारे। तो मसालों की अभी भुनाई बाकी है तो इसे हम भूनते रहेंगे धीमी आंच में, और इसे धीमी आंच में ही भूनना है फ्रेंड्स। आप फ्लेम को तेज मत कीजिएगा वरना मसाले जल जाएंगे और पिंडी छोलों का फ्लेवर चेंज हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मसाले हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है मसालों का। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मैंने धनिया और टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसे हम ऐड कर देंगे।
3 टमाटर को भी हमें अच्छे तरीके से भूनना है। और साथ में मैं ये एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ, इसे भी डाल देंगे। तो अब हम धीमी आंच में 5 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इन टमाटरों को भी हमें रोस्ट करना है इन मसालों के साथ में, ताकि टमाटर का कच्चापन अच्छे तरीके से चला जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे चने जिसे हमने बॉईल किया हुआ था। तो अब आती है इसे ऐड करने की बारी। यहाँ पर मसाले भी रेडी हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो एक्स्ट्रा तीखा खाने का तो आप इसे जरूर से ऐड करें, काफी अच्छा लगता है। और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इन्हें ऐड कर दूंगी, इन चनों को। तो धीरे धीरे करके हम इसे ऐड करेंगे और इन चनों के पानी को भी हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हम चनों को ऐड कर देंगे। और इन चने के पानी को भी हम यूज करेंगे जितना हमें जरूरत होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इन चनों को अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे, जब तक ये मसालों के साथ में एक साथ नहीं हो जाते। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पिंडी छोले तैयार है। देख रहे हैं ना कितना मस्त लग दिख रहा है खा, और जितना देखने में है ना उतना खाने में भी टेस्टी है। तो पिंडी छोले हमारे रेडी हैं और तैयार हैं सर्व करने के लिए। तो हम फ्लेम ऑफ करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे ना, ये कुछ, तो इसे हम निकाल देते हैं, इसे अलग कर देते हैं। और ये जो हमने दालचीनी का टुकड़ा भी डाला हुआ था, तो वो भी हम निकाल के बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसे बाहर कर देते हैं। और चलिए अब सर्व करते हैं अपने पिंडी छोलों को। तो ये गर्मा गर्म पिंडी छोले अब हम सर्व करते हैं। और काफी अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, और काफी ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। और एक बार विदान किचन इंदौर की सारी रेसिपीज जरूर देखिएगा, एक से एक यूनिक रेसिपीज भी हैं और जो कि यूट्यूब पे पहली बार भी हैं, तो आप उन्हें जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो इस जबरदस्त पिंडी छोलों को आप जरूर से बनाइएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल पिंडी छोले जरूर बनाइए। ढाबा का मजा, रेस्टोरेंट का मजा घर पर लीजिए, पंजाब का मजा भी घर पर बैठे बैठे लीजिए। थोड़े से धनिया पत्ते के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। और साथ में मैं इसमें कुछ अदरक के टुकड़े ऐड कर देती हूँ, अगर आपको पसंद हो तो जरूर से ऐड कीजिए। तो लीजिए, हमारे पंजाबी स्टाइल पिंडी छोले तैयार हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए विदान किचन इंदौर को। और कई अनगिनत रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए और ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि मेरी सभी रेसिपीज की वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।